श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला जियो तरो तरा तर पुन पुन शीसा वाहिगुरु पुन पुन शीसा बंदों बार बार जगदीसा जी बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कर अनुराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कर अनुराग एकंकार सतगुरु ए प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघन विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है विघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी अंतर जामता आदक पई गौर किरपालती गत मत लई सगल आर बल बीति पछानी अंत गति अपनी मर जानी अंतर जामता आदक पई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे निज घर गिरदा स्वरूप गुरु तखत ते सुभाईमान ई मन मत जाने कर दूर गए सदा वेख हजूर सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर गुरु गरीबनवाद जुगो जुग अटल सतगुरु तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरण कमलां दी टेक ओट आसरा ले रहे गुरु का खास रूप खालसा सतसंगत जीओ वड़े भागां साहित आप जी निर्भरत सतगुरु महाराज जी दे पवित्र चरण कमल परसन करके सतगुरु सचे पातशाह जी दी पवित्र अमृतमई बाणी नूं गुरु सवारियां पासो आप जीआं ने कीर्तन रूप सरवण करके लाह प्राप्त कीता है। आओ कुछ समा अस्थान दी मर्यादा अनुसार चल रही लड़ीवार गुरु इतिहास दी पावन पवित्र कथा मेरी पेरी दे मालिक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज दीन दुनी दे पातशाह ग्रीवनवास सतगुरु जी दी पावन पवित्र गुरु इतिहास दी कथा पिछलेरे दीवाना अंदर आप जी ने इथों तक सरवण कीती संखे विचार एक है। सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद महाराज
सचे पातशाह जी दे चरण कमलां विखे भाई विधि चंद सतगुर की महान बख्शिश दे सदका अनंत सेवावां करके हजूर दियां खुशियां प्राप्त करदे ने। ब्रह्म ज्ञानी सतपुरख जिन्हां नूं करतार ने आप मेहर दया तरस करके इस जीवन की क्रिया बाबत बोध कराया है, तिन्हां ने देवनगर दे अंदर बहुत ही प्यार भावना वाले भाई सुंदर शाह उन्हां दे नाल अपनी जीवन आरबला नूं संकोचन लई वचन कीता होया है। और गुरु के सवारियो सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी दे चरणा च सारे की बाबा पाना जी जोध राय सारे की हजूर दे चरणा कमलां विखे ने, ते सतगुरु सचे पातशाह जी दे चरणा कमलां विखे दर्शन करके बड़े प्यार साहित भाई विधि चंद बेनती करते ने कि जो शरीर की सवासा की पूंजी की क्रिया संपन्नता वाला है महाराज इस प्रत उपदेश आग्ञा बख्शिश करो। दिन दुनिया के मालक सतगुरु हरगोबिंद हजूर तिन्हां दी आग्ञा लै करके भाई विधि चंद और सुंदर शाह अपने शरीर जामे नूं संकोचदे ने। गुरु प्रसंग की कथा अज दे दीवान राखी अगे आपां ने सांझी करनी है। सतगुरु दाता जी आप मेहर दया तरस करके अमर शहीद बाबा दीप सिंह अपने पावन अस्थान ते आप बख्शिश मेहर दया तरस करके सेवा लै लैन। सतगुरु सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र घर दी पावन वड्याई गुरु पातशाह जी दे जीवन कथा नूं आरंभ करन तों पहलां अदब साहिब गुरु चरणां च लवाओ हाजरी असीस बख्शो रसना दी पवित्रता लई उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। फिर कृपा बख्शिश करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। अंतर जामता यादक पई अंतर जामता दे द्वारा सतगुरु ग्रीवनवाज पातशाह जी दी बख्शिश सदका क्योंकि गुरु के सवारियो सतगुरु अंतर जामी ने, ते सतगुरु तो बिना जगत विच कोई दूजा होर नहीं जानन वाला अंदर अपने सेवकां ते अपने प्यारियां अपने सिखां ते इनी अपार कृपा सतगुरु सचे पातशाह करदे सानू बोध तक नहीं। तो जिहड़ी अंतरजामता महाराज सचे पातशाह जी ने बख्शिश कीती और भजन करके सिमरन करके भाई विधि चंद जी होरां नूं अपने जीवन की अरबला ये जो करतार वालों सवासा की पूंजी करतार ने बख्शी है उस दे अनुसार महाराज जी दे अगे बेनती करन लगे। गौर किरपाल ते गत मत लई ये सारी गुरु की कृपा दे नाल गत मत प्राप्त होई है क्योंकि गुरु की कृपा तो बिना नहीं। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी पवित्र बाणी विच बचन करदे हजूर दा जैत श्री राग दा अमृत बचन है। सब कहिंदे जा कहो भए गोबिंद सहाई भाई जिहदे ते गोबिंद सहाई हो जाए मददगार हो जाए उहदे कारज जिहड़े ने महाराज आप सफले कर दिंदे ने सवार दिंदे ने।
ते गुरु किसवारियो गोविंद परमेश्वर इत्थे उत्थे दा रखवाला है। महाराज कहिंदे जिहदे ते गोविंद सहायक हुंदा उहदे इत्थे भी कारज सफल हो जांदे ने ते अगला परलोक भी सवर जांदा है। अते पातशाह कहिंदे जिहड़े जगत दे कारजां दी मर्यादा रीत है उहनूं भी सफल करदे ने। जे कोई भजन बनगी लई प्रभु इबादत लई निरंकार दी समर्थ लई बैठे तां उहदे भी कार सफल करदे ने। भाव यह है भी जिनी करतार की नज़र है करतार की कृपा है उसकी मदद तो बिना कुछ नहीं है। कोई प्राणी यह कहे कि मैं आप कुछ किया नहीं, जीव आप कुछ नहीं करने वाला, सर्व करतार की क्रिया है और सर्व कला सम्राट ही करने योग है। तो सतगुरु कहते जिदे गोबिंद सहायक हो जाते हैं, जिदे वो मददगार बन जाते हैं, उहदे कारज दुनियावी भी सफल हो जाते ने और अध्यात्मक भी हो जाते ने। जे उहदी मदद सहायता ना मिले तो दुनियावी कारज भी लमकते रहिंदे ने ते अध्यात्मक तां फिर बड़ा लंबेरा पंथ। साहब कहिंदे जा को भए गोबिंद सहाई, जिहदे गोबिंद सहाई हो जाते ने उह कारज सफल हो जाते ने। इस करके सतगुर दे नाल ही ए गतमत प्राप्त हुंदी है। सगल आरबल बिति पछाने, अपनी समुची आरबला नू अपनी जीवन दी आरजा नू पूर्ण रूप सफल जाणिया भी हुण जा रही है, बीतदी पई है। इहदे थोड़े श्वासां दी क्रिया रहि गई है क्योंकि साडी समुची आरबलाई सतगुर कहिंदे छिन छिन औद विहात है फूटै घट ज्यो पानी। उस घड़े दे निकलदे हुए पानी दी क्रिया दी तरह है, उस श्वासां दी क्रिया इस मटके विचों इस तरह जिवें पानी टुटे हुए घड़े विचों त्रड़े हुए घड़े विचों सिमदा है, जिवें उह निकलदा है इसे प्रकार साडे श्वास गुरु देव कहिंदे जा रहे ने। ये अरबला जिहड़ी है छिन छिन करके इस तरह साडी घट रही है, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां महाराज कहिंदे घट रही है। गुरमुखां नूं अपनी अरबला दा बोध है, उहनां नूं पता है किस वेले किस जगह असीं जीवन क्रिया नूं संकोचना है। ते गुरु किसवारियो महापुरख तां बड़ा प्यारा वचन करदे हुंदे संत जन कि अरबला दी क्रिया इक तां आम असीं कहिंदे भाई इह जीव दी श्वासां दी पूंजी दा भुगतान इह होया वी इहदा दाणा पाणी मुक गया। सुभाविक ये बोल अक्सर समाज विच बहुत बार जीव प्राणी कहिंदे सुनदे भाई कौन अणजल नहीं रहे, पर सात संगत सतपुरश जिहड़े ने वह बचन करदे हुंदे ने एक तां उस जगह ते जीव दा पहुंचना हो जाए जिस थां ते मौत दा समां निर्धारित है, दूसरा उस थां ते उहदे अणजल दी क्रिया उहदा साथ ना दवे, उत्थे उहदा दाणा पाणी छकण दी क्रिया बिल्कुल ना होवे। जिस थां ते मौत ने आवाज दित्ती उस थां ते पहुंच जाए। ते तीसरा कहिंदे भी करतार दा हुक्म आ जाए, सदा आ जाए। ये तीन कारण सतपुरख जिहड़े ने उह दर्शांदे ने कि जे परमेश्वर वल्लों सदा ते उस सदे दे नाल जिस थां ते जीव दा अंतिम सीमा क्रिया लिखी है वह थां आ जाए, उत्थे ये पहुंच जाए। तीजी गल के उत्थे उहदा अणजल दाणा पाणी बिल्कुल ना होवे, फिर कहिंदे उस जगह ते आई कोई मौत नूं कोई रोक नहीं सकता, वह अवश्य आ के उसनूं अपनी गिरफ्त विच लैंदी है। इन्हां विचों एक भी कारण कोई बन जाए उहदा ढो बन जांदा है क्योंकि वह उहदी मौज है कि प्रभ भावै बिन सास ते राखै, वह उहदी मौज है। उहदा अणजल होवेगा उहदे छकण वास्ते उहनूं बचा लैगा, उहदी मौत दी निर्धारित समय दी क्रिया नहीं होवी तां वी बचा लैगा। उह वक्ती क्रिया विच आप उहने अजे उहदी दरगी दरगाह वाली चेरी ना पाड़ी होवे तां वी बचा लैगा। तिन्हां विचों एक भी कर्द होवे फिर भी उह रख लैंदा, फिर कहिंदे आ अड़िया अड़िया बच गया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने यह विधान बड़े कमाल दे साडे सामने रखे।
कि जगत दे विच रहिंदिआं होइआं अरबला तां सभनां ने भुगतान करनी है। हाँ ये भी बचन कीता अभी बाणी विच हजूर कहिंदे क्या जाना किव मरंगे कैसा मरना होए, पता नहीं किवें दी मौत आउणी है किस जगह आउणी है क्योंकि सानू बोध नहीं है। आम करके बुद्धि जीवां विद्वानां वल्लों इक गाथा सुनाई जांदी है कि किसे फकीर ने राजे नूं ही कहा वी फलानी जगह फलाने समय तेरी मौत है ते तू भजन बंदगी कर लै अपना भला कर लै। उन्हें गुरु के सवार घोड़े ते सवारी कीती ते मिला तय दूर कर लिया सफर, मिला पंथ लंघ गया। कहिंदा ओह फकीर ने बचन कीता उत्थे मौत आउणी आ, आपां ते कई कोआ लंघ के आ गए आ, हुण थोड़ी मौत आउण लगी है। ते जदों घोड़े तो उतर के ये गल कहिंदा फकीरा तू ये आखिया मौत आउणी है हुण कित्थे मौत आउंदे, मैं बड़ी दूर आ गया। उस वेले गुरु के सवार हस के मौत ने आवाज दिती ऐ ते तेरी थां सी इत्थे ते तैनूं सदना सी, उड़ीक तां इत्थे वास्ते सी। तो महापुर कहते तिना कारण जो बन जाने मौत का अवश हो जाता है, एक भी कोई किरिया करतार की गुणदायक हो जाए तो फिर भी भला हो जाता है, पर ब्रह्म ज्ञानी सतपुरख तत् बेते भाई विधि चंद वर्गे तो जानते हैं कि साडे जीवन की आरबला कुण इन्नी रही है कि इस वेले तो आप पहला करतार नाल एकमिक हो जाइए, ओत पोत हो जाइए। इस तरह ये सारी वड्याई जड़ी है वो सतगुरु देंदा है, गुरु तो बिना सानू कोई होर महात्म नहीं देंदा। महाराज सचे पातशाह जी ने यह बख्शिश कीती ते भाई बिडी चंद नू बोध होया ये साड़ी आरबला कुछ इन्हीं रह रही है। अंत गति अपनी मन जाने, अपने अंत गति नू हुण जान लिया, ए वेला साडे समय दी क्रिया विच हुण बहुत नेड़े आ रहा है। सुंदर शाहो संग तकरार, असी सुंदर शाह नाल करार कीता होया, सतगुर नाल बचन करदे ने भाई बिधि चंद सचे पातशाह जी, असी सुंदर शाह नाले इकरार करके आए हां। पहुंचन तिसके निकट पधार, असी ओदे कोल पधारना चाहने, ओदे कोल पहुंचना चाहने आ, क्योंकि दोनों का समा एको ही है, क्योंकि नित प्रत एको वेले बहुत सारे प्राणी जन्म लेंदे ने ते गुरु किसवारे बहुत सारे दुनिया फानी तो फना होंदे ने। आपां नूं नहीं ना पता भी इस वेले किन्नियां दा जन्म होएगा, किन्नियां दी इस वेले की वेदना होवेगी, पर वह ब्रह्म ज्ञानी सतपुरख कमाई वाले एकमिक ने, उन्होंने ये गल पकड़ की दोनों ने, कहते समा एक है थां एक है, इतों चल के भाई विधि चंद ने जाना सुंदर शाह होरां कोल, क्योंकि थां दे उन्हां दा वो है, समय की करवत एक है। कहते सचे पातशाह जी असी करार किया है भी अपना वेला एक है, आपां कट्ठे होवांगे। देखो है ऐसी कोई उदाहरण मिलेगी जगत विच भी मौत का समा कोई आखे भी मौत है आपां उत्थे जाके कट्ठिया मिलना है। लोग जिंदे कहिंदे ने मिलाप होवे भी फलाने ने समय विच इकरार कीता सी जाके मिलना है, लोग कहणगे कोई कारज है असी उत्थे मिलना है, पर इत्थे भाई विधि चंद वर्गा गुरसिख कहिंदा दाता मैं इकरार कीता जदों अंतला वेला है असी दोवें इकत्र तेरे चरणा विच अभेद होईए। है कोई एतू दूजी मिसाल, महाराज तुसी कृपा करो मैं उथे ओ करार जेड़ा कीता है जा सका उथे पहुंच सका। चित मह समझ गुरु टिक आए वा, जदों सारा कुछ चित विच विचार के सतगुरु दे कोल आके बेनती कर लगे, हाथ जोर कर बिनय अलाए वा, बड़े प्यार नाल हाथ जोड़ के बेनती कर लगे सतगुरु श्री हरगोबिंद महाराज सचे पातशाह दे चरणा च भाई विधि चंद। लाल चंद को पास बिठा, बड़े प्यार नाल बेनती करन तो पहला संगत जी भाई लाल चंद पुत्र नू कोल बिठा लैंदे हन, सब किश आप लख हो सुख दाए, ते बेनती करके कहिंदे दाता जी सारी विधि दे तुसी मालक जानी जान हो, तुसी तुहाडे तो बिना कोई दूजा थोड़ी जानदा, आप जी जानी जान हो, सब विधि नू
आप सुखां दे दाता जी जानदे हो तौ बूझबे हेत गुसाई पर सतगुरु सचे पातशाह फिर पुछदे ने बिधि चंद भाई बचन कर ये बड़ी प्यारी गल है गुरु के सवारियो जिस महापुरख अस्थान ते सतगुरु दे चरणा चापा जुड़े हैं इदी तवारिक दे पन्ने ही ऐसे कमाल दे ने सतपुरख दे इतिहास ने बड़े प्यारे बचन कीते दास केवल तुक बाबत दृष्टांत दोहरांदा है कि खंडे नाल लकीर खिंचण दा भाव ही इह सी कि सजना आ वेला वह है जिथे गुरु रामदास के चरणा च जाके आपां कुरबान करना फिर पुछ लेना हालांकि चले ते सारे शहीदियां पाण वास्ते ने ना भी सतगुरु दे घर दी बेअदबी गुरु घर दा निरादर होया ते असी वैरी नूं सोधा लाणा असी जाके उस जलम दी सुधाई करनी है सतगुरु महाराज सचे पातशाह दे चरणां च आपां कुरबान करना है पर लकीर खिंच के बड़े भाव प्रगट कर दिते इस महापुरख ब्रह्म ज्ञानी और सारे की मर जीवड़े तत बेते गुरमुख तैयार हुए असी गुरु रामदास के चरणा च जाके आपा कुर्बान करना महाराज जी दे चरणा च आपा भेट करना है भाव की है कि कोई सतपुरख महात्मा पुरख अखीरी फिर पुछदा है ते बहुत वड्डा महात्मा है भाई बिधि चंद सतगुरु नूं बेनती करदे हजूर तुसी जानदे हो ते सतगुरु फिर पुछ लैंदे ने तौ बुझे हेत गुसाई महाराज फिर कहिंदे दस भाई जानी जान है गुरु घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चींटी ते कुंचरा स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला पर फिर भी असी दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ताण रास बेनती करदे बिन बोलियां सब किछ जानदा फिर भी ध्यात जोड़ के निम्रता सद के नियन महाराज सचे पातशाह जी मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तो दागे अरदास मैं होर थाउ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास इस सतगुरु दे चरणा च वेदना रखना ते गुरु दा पुछना ये बहुत वड्डे कार्य हो तो महाराज जी फिर पुछदियां बचन कर लगे कहो बैस मम सकल बिताई मैं लगे दसो समुची अरबला बाबत आ जड़ी बैस है उम्र है अंत समा पहुंचो अब आए अखीरला वेला अंतला समा पहुंच गया तुहाडे क्योंकि समय दी क्रिया ते अखीर आउना है जदो जन्म दी क्रिया आई है ते मरना ता अवश्य है और रबी बाणी विच गुरु के सवारियों एक बहुत वड्डा विधान है दाता जी ने मरना लिखिया जमना नहीं लिखे असी बादशाह जी दे अमृत वचन पढ़ दिया ना मरने लिखाए मंडल में है आए एरी क्या भी जन्म लिखा के आए हैं मरना लिखिया है जमना नहीं लिखिया है एक गल कीती सतगुरा ने भी तेरा जमना जदो बनिया ते मरना अवश्य जन्मंगता मरना क्योंकि मरना लिखिया जमना लिखिया नहीं हां उस जमण ते मरण दे विचकार ला जिहड़ा तेनू समा दिता उहदे विच तू ए गेट दी सफलता कर लै इहदे वास्ते तेनू इस दुर्लभ समा दिता पूंजी दिती है उहनू कहा वी प्राणी तू आयो लाहा लैण इत्थे लाहा लैणा है नफा लेना है और हर कोई कहिंदा लाभ होवे नफा होवे कोई नहीं कहिंदा घाटा होवे कोई ये थोड़ी कहिंदा घाटा होवे ना संसारी ते ना गुरु के सवारे वो अध्यात्मक भजन बंदगी लई होर वध चाह होवे कारजां लई भी साडी सतगुरु पातशाह जिहड़ी क्रिया उहदे विच भी वाधा होवे पर जब सहायता करतार दी लैके चलिए फिर कार्य सफल हो जाता है इस करके जिहड़ी क्रिया है वो आरबला दे अंतले समय पहुंचनी है पर उस पहले ते अंतले दे विचकारला जिहड़ा समय है उहनू सफल करन वास्ते जपो तां एको नामा अवर निराफल काम
ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜੋਂ ਦੇਹ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮਹ ਏਕ ਹਿਤ ਹੈ ਔਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਠੌਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਲੈ ਤਹ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇ ਸਵਾ ਸੌ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 20-25-50 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 12-15 ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲਬਣ ਸਵਾ ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਵੇਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਲਾਂਬੋ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਨਦਾਹ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਲਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਉ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੰਜ ਪੋਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਰ ਆਇਓ ਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਨਿਰਧਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਜ ਦੋਨੋਂ ਦੇਹ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਮਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੋ, ਆ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਜੁੜਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਅਖੀਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਉਮੰਗ ਹੋਣਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਚਾਹੋ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਈਏ। ਪਹੁੰਚਣ ਮਹਿ ਤਹਿ ਚਿਤ ਹਿਤ ਰਾਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਏ। ਦੇਣ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਸ ਪਏ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੋਣ ਆਈ। ਜਗਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਦਨ ਕਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹਮ ਟਿਕ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸਵਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਹੇ ਹੋ ਬਾਕ ਸੋ ਸੱਚ ਕਰੀਜਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਰ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਲੀਜਾ। ਜਾਓ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਲਵੋ। ਬ੍ਰਿਖਾ ਜਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੋ, ਬ੍ਰਿਖਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਤ ਹੈ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੰਦਤ ਕਰ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾਈਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਭਾਵਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਹੈ,
भाई बिधि चंद जी ने दोवें कर जोड़ के बंधन कीती हथ बन के नमस्कार कीता सतगुरां दे चरणां च। लाल चंद देखियो टिग नंद, लाल चंद पुत्र वल वेखिया बड़े प्यार नाल, सो सतगुर के पाए अन पायो। अपने पुत्र लाल चंद नूं भाई बिधि चंद ने गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरणां च नमस्कार कर लिखिया, कहिंदे सतगुरु दी असीस लवो, सेवा करन निष्कपट सिखायो। ते सेवा करने दसी निष्कपट रूप, क्योंकि यही गुण है। बच्चे नूं झिड़कना भी साडा यही महात्म हुंदा। भाई बिधि चंद अपने पुत्र नूं कहिंदे सतगुरु दी निष्कपट से किरिया जिहड़ी सेवा सिखाई उह करिया जे, इस दे चरणां विच बहुत कुछ है। भुगत मुगत दोनों गुर पास, क्योंकि ये दाता भुगत मुगत दा है, दोनों ही गुरु साहब दे पास ने। किते होर जाण दी लोड़ नहीं, किसे होर जगह ते महाराज सच्चे पातशाह जी तो बिना किते जाने दी जरूरत नहीं है। वैसे संगत जी असी महाराज जी दे घर विच एक वचन पढ़दे आं, नित प्रत आप जी कलगी तर साहब दा दोहरा है, सगल द्वार पौ छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज आस गोविंद दास तुहार। सतगुरु सारे द्वारे छड़ के तुहाडे चरणा च आए, तुसी बाह फड़नी। इहदा भाव यह है भी हुण सानू हुण किते होर जाण दी किरिया नहीं। दूसरा, असीं गुरु साहब दे घर इह वचन पढ़दे सुणदे आ भी महाराज सच्चे पातशाह इह जिहड़ा जगत है जदों किसी किरिया की प्राप्ति ना करे तो बड़ा भटकदा है। जिवें असीं इह कह लईए भी एक थां तों जिहदी किरिया पूर्ति ना होवे उह फिर दूजा दर लभण लग जांदा है। जे उस दर तो गल बन जाए फिर कहिंदा भौर कित्थे जाणा, इत्थों सारा कुछ लभ लिया। पर गुरु साहब बड़ा प्यारा बचन कहिंदे, कहिंदे सजना मैनूं दूजे तीजे दा नहीं पता, ऐ गुरु के सिखा तू इत्थे आ जाई, इस दर तो तैनूं मैं खाली नहीं करूंगा। सेवक सिख हमारे तारी है, ये मेरे सेवका सिखा नूं तारना। अकाल पुरख अगे बेनती करके बचन कीता सतगुरां, किते होर जाण दी सिख नूं लोड़ नहीं रहण दित्ती भी सिखा हुण किते होर थां ते जाए, किसे होर जगह ते तू भटके। इत्थे सारा कुछ ही उहदे चरणां विच है, इहनूं किते होर जाण दी लोड़ नहीं। भाई नंद लाल साहब ने वचन कीता कि गुरु कलगीधर पातशाह नूं अकाल पुरख ने अपने खजाने दा खजानची थापिया है, ते गुरु किसवारो यह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा खजाना ही है जिहड़ा जग विच मुकना कोई नहीं। बाकी दे खजाने भी वारी खाली हुंदे, हजारां वाली मुकदे ने। इस करके गुरु का सिख अपने गुरु तो कदी वखरा नहीं होंदा। महाराज सच्चे पातशाह दे दर ते जुमला फैजे रूर गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु दे चरणा च आ जाना, महाराज जी दे शहीदां सिंघां दे चरणा च आ बेनती कर लेना, होर किते जाण दी किथे लोड़ रह जांदी सिख नूं, होर गुरु के सवारियों किते जरूरत नहीं रह जांदी। ते फिर जे सतगुरु की चौपाई का आ बंद पढ़ीए भी महाराज सुखी बस मोरो परिवारा, परिवार ते असीं जाणदे आ सच्चे पातशाह नूं असीं सरबंस दानी कहिंदे आ भी सरबंस वार दिता है, पर प्यारो उस सरबंस वारन वाला पिता की कहिंदा है, सेवक सिख हमारे तारीए, मेरा सेवक सिख जिहड़े ने इन पुत्रन के शीश वार वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या पाया जीवत कई हजार, साढ़े वास्ते क्या भी ये मेरे पुत्र ने ये मेरे सारे प्रार सेवक सिख ने इन्हों का भला करना, इन्हों का तुसा ने पार उतारा करना। गुरु वाले होइए फिर पता लगता गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश के गुणा की की वड्याई है। और यह भी वड्डी गल है, गुरु पातशाह ने सानू पवित्र बाणी विच दसी कि सतगुर वड्डा कर सलाई है, क्योंकि जिस विच वड्डियां वड्याईयां जिहदे च वड्डियां वड्याईयां ने, इवें ना किसे मगर लग के भी सतगुरु आ नहीं कर सकदा। यह सर्व कला समर्थ दाते दा घर है, असी कदा चित विशंके विच ना पईए, परम चित ना पईए। ये मता कहीए करीबी हाए असा नहीं पई होर थां ते नहीं गुरमुखो,
इस दर ते सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा इथे सारिया इच्छावां पूरिया ने इथे बस पातशाह जी दे पवित्र बचन आ जड़े विकार इधर उधर दौड़ांदे ने ये जड़िया क्रियावां नूं भजांदे ने उहदे लई बेनती करिया कर भी महाराज जी इन पंचन मन जो बगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो भगत कहिंदे पल पल यही विथ पांदे ने उंज विथ नहीं पैण दिंदे असीं कोई गल बनदी तां ही दूरी बनदी है कोई ईरखा वाला आ जाए कोई निंदा वाला बखीली वाला आ जाए जे कोई ऐसा मिल जाए ते फिर प्राणी वो शंका करेगा निंदा विच जाएगा ते जे कोई प्यार भावना उसती गुण भाव सानू मिल जाए तो साडा होर श्रद्धा प्यार होर भरोसा बने ते फिर गुरु की सवारियो सतगुरु दे नाल होर गहरी प्रीत बनती है ते फिर भगत जी वालू तरह बचन कह सकने महाराज जी साची प्रीत हम तुम सिंह जोरी तुम सिंह जोर अमर संग तोरी महाराज हुण तुहाडे नाल गल बन गई हुण दूजिआं नाल घटा लईए उहनां नाल क्यों साज रखीए पर गुरु का सिख सभे सांझी बाल दे नाल एडा प्रेम रखदा है क्योंकि साहब दी वडियाई सी जदों आप हजूर ने अपनी हाथी विच सारिआं नूं इक जैसा अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे दा गुण प्रगट कीता मानस की जात सब है एक है पहचान बोधी वड्याई देते ताई गुण देते भाई सिखा वखरा ना समझ इह भय भावनी विच गुरु दे गुणा नू जिन्ना वड्डा करके सलामांगे भाई गुरदास साहब ने कहा वेद व्यास भाई गुरदास साहब कहिंदे इह सिद्धां दी कमाई सी गुरु के सवारियो देखो असी गुरु नानक नू सिख मनन वाहिगुरु असी सारे सिख गुरु नानक साहब नू गुरु मनदे आ वी साडे गुरु नानक साहब जी श्रोमणी ने धुर तो गुरु आए ने इहदी तां कोई शक दोहरा नहीं है पर असी इह गल ते नहीं ना कहिंदे वी सतगुरु सचे पातशाह दी कमाई ते गुरु नानक वड्डा इह सब तो पहला सतगुरु दी कमाई दा जिक्र उहनां दे वड्डे गुण दा जिक्र सिद्धा ने कीता कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई कमाई वाले ने जाणिया ना इवड़ उच्चा होवै कोई तिस उच्चे को जाने सोए ए उही जानदा है जिहड़ा उच्चा होया है ते संगत जी ओ कमाई वालिआं ने दस्सिया तां असीं कहा वी सतगुरु गुरु नानक साहब सब तो साडे श्रोमणी ने ए गुरु दी वडियाई गुरु रूप सानू पता लगेगी उंज इधर उधर दीआं बातां नाल नहीं लगेगी ते सतगुरु दे चरणां विच ए गल अपने पुत्र नूं भाई विधि चंद ने दसी कह लगा ये मुक्त भुगत दा दाता है इहदे तो बिना किते होर गल नहीं हो किते होर ना जाई निष्कपट होके सेवा करके सारियां दातां सतगुरु पासों प्राप्त कर लैणा नह त्याग हो नित रहो आवास इत्थे हजूर दे चरणा च रिहा जे हजूर दे आवास रिहा जे किते होर ना जाया जे इह दर ना छड्डिया जे जो आयस दे तुरन करी जेड़ा हुक्म सतगुरु सचे पातशाह कहन उहनूं तुरंत करिआ जे बिना देरी तो इह नहीं अज करदिआं कल करदिआं नहीं सतगुर की आग्या जड़ी है सतगुर का हुक्म जड़ा है उन्हों तत्काल करना है तुरंत फौरन उसे वेले बचन मनना है और कारज को बिलम ना तरिया है सतगुर के काम विच देरी नहीं करनी बिलम ना तरी है बिना बिलम तो बिना किसे देरी तो गुरु दा काम करना चाहिदा है श्री हर गोविंद गह कर बाहो सतगुरु पातशाह जी सचे हर गोविंद हजूर दे चरणा कमला विखे ये बचन जदों कीता ते संगत जी अपने पुत्र दी बाह सतगुरु नूं फड़ाई महाराज कृपा रखिया जे तुहाडी असीस नाल तुहाडी कृपा नाल ही इहनूं सतबुद्धि आएगी क्योंकि उंज बंदे सारे असी सियाने हुन्ने पर गुरु देव जी दा अमृत वचन है महाराज कहिंदे गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने महाराज तो पासो मत लईए कि सचे पातशाह जी बिमल मत देवो सतगुरु जी दीजा बुद्ध विवेका विवेक बुद्धि देवो ते गुरु तो बिना कोई दूजा विवेक बुद्धि नहीं दिंदा महाराज जी दा विवेक सारा स्थान ही सवा बस वचन ही होया सतगुरां दा विवेक मत सिख लवे सिख नूं बिमल मत सतगुरु पातशाह बख्शन तां वड़ियाई है इस करके मां कवि जी वचन कीता
जदों सतगुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणां च भाई बिधि चंद ने अपने पुत्र लाल चंद दी बांह फड़ाई दई धीर तुम सम इस चाहो सतगुरु महाराज जी ने धीर दिता क्या तुहाडे सम ही जाणांगे तोर मोर मह भेद न कोई सतगुरु पातशाह कहिंदे कोई भेद अंतर ही नहीं तुहाडे ते इन्हां विच गुर सिख नाम रहे आप दोई सतगुरु पातशाह जी ने कृपा कर दिती गुरसिख महाराज सचे पातशाह कहिंदे नाम रहे अब दोई दोई नाम हन रूप एक मेरे संग भयो एक रूप साडे नाल है गुर कर काज बहुत तै कियो क्योंकि बहुत सारे गुरु घर दे तुसा ने कार्ज कीते ने आप जी पिछे लड़ी च कथा सरवण करके बड़े कार्ज भाई बिधि चंद साहब जी ने महाराज जी दे घर विच सेवा रूप विच कीते हन अगे लाल चंद अब सेवा है तुहाडा पुत्र जिहड़ा लाल लाल चंद है वह सेवा करया करेगा हुण लाल चंद आप जी दे थां ते गुरु घर दी टहल करनगे अब पाछे गुरता जो लेव है और जेड़ा साडे तो बाद गुरु तख्त ते होवेगा गुरु साहब जी कहिंदे गुरु हरगोबिंद महाराज तो बाद गुरु हर राय साहब गुरु करता हर राय साहब तक तनशील हुंदे ने उस वेले बचन कर रहे ने बिधि चंद नाल कहिंदे जो साडे तो बाद गुरता ते होणगे सदा साज तेरी पुछतैनी तेरी पुछत जड़ी है तेरी कुल जड़ी है सदा ही साथ क्रिया विच पीढ़ी दर पीढ़ियां सांझ रहेगी निभ है गुर कर संग सुखैनी सुखैन गुरु घर नाल निभेगा एदू वड्डी गल गुरु के सवारियो होर की हो सकदी जिहदी गुरु घर नाल सांझ रहे ते पीढ़ी दर पीढ़ी निभ जाए यही तो चाहिए भी महाराज साढ़े अगली संतान भी अपने नाल जोड़ लिया महाराज सचे पातशाह ये त्रुट के बचन करते पे ने कि सारी पुस्तां दे रूप दे विच पाप पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ी है इस तरह सांझ रहेगी इति आदक कहे करियो विसर्जन इस तरह इति आदक वचन करके भाई बिरदी चंद जी चाला पा लैंदे हन बार बार हिरत कर अर्जुन बार बार हजूर दे दर्शन कर दे ते बेनती कर दे चरण सरोज नमो कर चलियो सतगुरु दे चरणा कमला नु मथा टेक के चाला पाया चरण कमल बिलोचन ते जल ढलियो नेत्रा च वैराग दा जल भर आउंदा है साहेब भाने आदक नेरे पातशाह जी दे चरणा विच सारे सन बाबा भाना जी होर जोध राय ते आदक सिख जोध राय सो मिलत इस बेरे सारिया नु मिले राय जोध होरां नु भी मिल करके लेकर खुशी सबन ते चाला सारिया तो खुशियां लै के वधाईगी लै के चाला पाया रोग ना सोग ना ब्योग ना राला आलसा जी कोई रोग नहीं कोई सोग नहीं कोई ब्योग नहीं सबना तो निर्लेप हो करके खुशी नाल चाला पाया श्री हर गोविंद मूरत सुंदर सतगुरु हर गोविंद सुंदर स्वरूप दा ध्यान धरना कीता करी टिकावन तब और अंदर अपने हृदय विच टिकाले गुरु के स्वरूपता नु गुरु के मूर्त नु प्रेम महात्म श्री गुर केरा बहुत प्रेम है सतगुरु सचे पातशाह जी दे नाल भय ज्ञान भी रहयो बढेरा सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की बेअंत ज्ञान बख्शिशा नाल करतार कीता ये भी ज्ञान उन्होंने दिता ता चाला पाया है गयो तुरत ही तौना देश उसे देश जिस देश विच सुंदर शाह रहिंदा है जह सिख सुंदर शाह विशेष जिते गुरु पातशाह जी दे सिख ने भाई बिधि चंद ने भाई सुंदर शाह दे कोल जाना जिते सिख सुंदर शाह रहिंदा है जिम जोगीश्वर राय समाद जड़े जोगियां दी तरह समाधि ला के परमेश्वर दी भजन बंदगी विच जुड़े हन बिधि चंद को रहयो आराध बिधि चंद नु भी सिमरदे ने भी साडा साथी आवेगा सिमरन सत नाम मुख अंतर और सत नाम वाहिगुरु दा मुख अंदर जाप करदे हन गुरु परायण बैठ निरंतर गुरु दे आसरे विच बैठे हुए ने महाराज जी दे चरणा कमलां दा ध्यान धरिया होया है कहियो जाए उठी है मम प्यारे जदों गए ते बड़े प्यार नाल भाई बिधि चंद ने वचन कीता सुंदर शाह प्यारे उठो चल आयो एत हेत तुहारे असि तुहाडे प्यार बचन कीते होए उस करके चल के तुहाडे कोल पहुंचे हां जो तकरार तोहे संग कीनो जो तुहाडे नाल साडा बचन होया सी पहुंचे
ਜੋ ਆਨ ਸਮਾ ਸੋ ਚੀਨੋ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਰਦੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਜਾਂਦੇ ਸੁਭਿਓ ਹਿਰਦਾ ਜਹਿ ਸ਼ਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲ ਬਿਲੋਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਰਦੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਰੋ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਸ਼ੋਕਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਭਗਤਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਭੂਲ ਲੀਨ ਮੁਖ ਚੱਖ ਪਰ ਲਾਇਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਭਇਓ ਕਿਰਤਾਰਥ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਸਕਾਰਥ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਤੀਕਰ ਤੁਮ ਆਗਵਨੋ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇਰਿਓ ਧਿਆਨ ਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਵਨੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਵਨ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਰ ਆਪ ਹੋ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਸੇਤੀ ਸਰਬ ਸਰਬਾਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੇਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਜ ਸਾਥ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਓ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਬ ਭਾਖਾ ਔਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਕੀਨ ਤੋਹੇ ਅਬ ਕੰਖਾ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੌਤਕ ਤਨੂ ਅੰਤ ਇਸ ਹੀਰਾ ਹੁਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਮਾ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਆਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚਾਹਤ ਤੋ ਕਹੋ ਸੰਗਰ ਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਨਾਮੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਈਏ ਹਿਰਦੈ ਧਰਹੋ ਮੂਰਤ ਅਭਿਰਮੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੂ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤਨ ਕਹੋ ਤਿਆਗ ਹੋ ਚਲੋ ਸੁਖੈਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖੈਨ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਐਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਜਾਮ ਅਬ ਬੈਸ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਓਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕੁਛ ਦੱਸ ਹੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਸਨ ਲਾ ਲਈਏ ਬਿਨਾਂ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਆਸ ਹੋ ਲਾਸ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਬਦੀ ਚੌਪ ਚਲਵੇ ਗੁਰ ਪਾਹੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਠ ਦੋਨੋ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਨਤਾ ਠਾਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਆਸਤਰਨ ਜੋਗ ਕੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਕ ਫਰਕ ਸੋ ਦੌਨ ਅਸੀਨੇ ਪਿਆਰ ਸਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਉਚਾਰੀ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਪਰ ਦਇਆਲ ਉਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
महाराज तारी कृपा तो बिना नहीं। लोक पर लोक सहाय कपारे, उसे लोक पर लोक विच कृपा करनी है। सेवक अपन हजार हो तारे, क्योंकि तुसी हजारा सेवका अपने दा उधार कर दियो करदे रहोगे। तुहाडे तो बिना किथे इस जगत विच कोई दूजा पार करन वाला है। वचन बिलास एव कुछ करे, इस तरह कुछ वचन कीते महाराज जी नाल। पुन दृग मूंद ध्यान को तरे, ये वचन करके अपने नेत्र मूंद के ध्यान च धो के, निज निज बदन शाद पुन लीने, अपने अपने शरीरक चोलिया नूं पंज पोतक जामे नूं भाई विधि चंद ते सुंदर शाह जी ने आस्त्रण पर पौडण कीने, उस आस्त्रण ते लेट करके, तजे सुखेन प्राण पुन दान, बड़े सुखाले अपने पांच पूतक शरीरक चोले तो प्राण पंखेरवा नु संकोच दिता। मंगल भयो देवतन पौन, खुशी होई देव पौन विच बहुत चढ़दी कला दे नाल। इत आदर के आगे आए, बड़े प्यार नाल सारे देव अगे आए सत्कार वास्ते। दोनो लीन बेमान चढ़ाए, उन्हां नूं बेमान ते लै करके चाला पाया। जय जय शब्द उचारत पए, और जय जय दे शब्द गांदे ने, इस करके गुरसिखां नूं भी कहा भाई बाणी पढ़दे सुणदे लै के जाइए अर्थी नूं, बाणी दे जाप विच जाइए सिमरन करदे जाइए। सतगुर पुर को तत छिन गए, इस तरह गुरपुरी नूं तत छिन चाला पा लिया। तपत स्वर्ण सम तन कौ बरन, जिवें सोना कुठाली च तप करके टिक जांदा शुद्ध हो जांदा। दिब बसन धारे आभरण, इस तरह महाराज सचे पातशाह दी कृपा नाल रूहानी कपड़े ते गहने सरूप जामे दी क्रिया जड़ी है। जाए गुरु पर स्थित पए, गुरु चरणा च स्थित हो गए। बंदर आहद जथो चेत कहे, प्यार सद बंदना कीते। इस प्रकार गुर को सिख भारी, भारी गुर सिख दी महिमा है भाई विधि चंद ते सुंदर शाह दी। काया त्यागन कीन सुखारी, सुखाली ये काया त्याग दीती, सौखा ही शरीर छड़ के चले गए खुशी नाल। देव ग्राम ते तब नर आए, वो जड़ा देव नगर सी जिथे सुंदर शाह रहिंदा सी, जिथे भाई विधि चंद गए, वो नगर दे जड़े प्राणी सन लोग कठे होके आए। दोनों बिना प्राण दर्शाए, दोनों दे शरीरां नूं वेख्या पिया होया भी सुंदर शाह भी परलोक प्याना कर गया ते भाई विधि चंद भी परलोक प्याना कर गए। दफन करियो तिन सुंदर शाहू, उन्हां दी रीत अनुसार सुंदर शाह नूं दफन कर दिता। अंतिम क्रिया जिहड़ी सी ओह नगर वालिआं ने ओहदे अनुसार कीती। पूजन हेत थाल कर ताहू, बाकी जिहड़ी सी खालसा जी धन गुरु कलगी धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे सेवक भाई विधि चंद साहब जी दे उन्हां दा संस्कार कीता। ऐसे विधि चंद को दाहा, भाई विधि चंद दा संस्कार कीता, भाई सुंदर शाह दी दफन कर दित्ती दे ते क्या हुण जगत विच इह गुरसिखां दी जदों कोई धूड़ प्राप्त करेगा दाता लवेगा। अबला मन है बांशत पाहा, हुण तक कहिंदे चार चन लगे ने भाई विधि चंद दे चरणा विखे, गुरु साहब दे चरणा विखे जदों कोई बेनती करदा है ते अज भी उन्हां दीयां बाछां उन्हां दीयां इच्छावां सतगुरु पूर्ण करदे ने। संगत जी इत्थे श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे अठवीं रास दा जे अंश होए 44 इत्थे संपन्न हुंदा है। अगले अध्याय ते अगली कथा जिहड़ी है महाराज सतगुरु पातशाह जी दी, ओह आप जी अगले दीवाना च सतगुरु पातशाह जी दी कथा सरवण करोगे। समय लाग प्रसंग नूं विराम है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दा कोटां कोट शुक्र है जिन्हां ने असीस बख्श करके आप संगतां दे दर्शन कराए। अमर शहीद बाबा दीप सिंह होरां दे पावन स्थान ते सतगुरु महाराज कृपा करन। आप सारिया संगतां दा धन्नवाद, ज्ञानी जी होरां दा, मैनेजर साहब होरां दा, सारिआं दा धन्नवाद। धन्नवाद कृपा करन, बेअंत भुल्लां दासियां समझ कर खिमा करनी आ। जो गुरु पातशाह दे घर दी वड़ियाई गुरु कथा है, सतगुरां की जाण करके अपने हिरदे च जाणा, क्योंकि सब ते उत्तम हर की कथा। नाम संत दर्द दुख लथा परमेश्वर दी वड़ियाई है। जो ये कथा सुनया रगावै दोग पाप ते निकट ना आवै। सतगुर कृपा कर, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु का शुक्र जिन्हां ने कृपा कीती, बेअंत भुल्लां दी खिमा। आओ प्यार सद अखीरलियां पंक्तियां सहित पते बुलाइए जी। तैसे विधि चंद को दाहा, अब लो मन हे बाशत पाहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
Yeah.